नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम बात करें साउथ अफ्रीका के साथ हुए भारत के मुकाबले के बारे में, क्योंकि मुकाबला इस वजह से ज्यादा फेमस हुआ था क्योंकि भारत को जीता, इस वजह से मुकाबला फेमस नहीं हुआ। ये मुकाबला सुर्खियों में तब आया जब धोनी की वो फोटो सामने आई जिसमें उनके ग्लव्स वे बलिदान का जो बैज था वो लगा हुआ था। इसके बाद ये जो धोनी की फोटोज थी हर जगह वायरल होने लगी और धोनी की हर तरफ तारीफ की जाने लगी। धोनी जो भी इंडियन आर्मी को लेकर धोनी हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, उनकी हर तरफ इस बात की चर्चा होने लगी। तो वहीं जब यह मामला ICC तक पहुंचा, ICC के कानों में भी एक खबर पहुंची कि धोनी ने अपने ग्लव्स पर आर्मी का एक लोगो यूज किया है जिसका नाम बलिदान है। बलिदान बैच जो आर्मी के कमांडर्स होते हैं उनको दिया जाता है। तो जब ICC के पास ये बात पहुंची तो ICC ने इस पर एक्शन लेते हुए BCCI को फरमान जारी कर दिया कि वो महेंद्र सिंह धोनी को कहे कि वो अपने ग्लव्स पे जो इंसिग्निया है उसको हटा दें, यानी कि बलिदान का जो इंसिग्निया है उसको महेंद्र सिंह धोनी हटाएं और अगले मैच में जब वो खेलने आए तो उनके ग्लव्स पर वो इंसिग्निया नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद जैसे ही ICC ने फरमान जारी किया तो ट्विटर पर सभी लोगों का गुस्सा फूटने लगा। जी हाँ, क्योंकि लाजमी था, जो इंडियन फैंस हैं उनका ये गुस्सा लाजमी है क्योंकि जो महेंद्र सिंह धोनी है उनको हमेशा देखा गया कि वो आर्मी को सपोर्ट करते हैं, वो आर्मी को लेकर हमेशा सपोर्ट करते हैं। उनका जो बैग, उनका जो किट बैग होता है, जो उनके ग्लव्स होते हैं और उनकी पैंट्स, उनके कार्गोज, अक्सर देखा गया कि वो आर्मी को सपोर्ट करते हुए जो आर्मी की यूनिफॉर्म होती है उससे मिलते जुलते कपड़े पहनते हैं। वहीं आर्मी ने उनको लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि भी दे रखी है। तो इसके बाद ट्विटर पर किस प्रकार लोगों का गुस्सा फूटा वो आप देख सकते हैं कि ये परेश रावल ने कमेंट किया और उन्होंने लिखा है कि BCCI शुड टेल ICC टू गो टू हेल। ये डायरेक्टली परेश रावल कह रहे हैं कि वो हेल में जाएं। वहीं और भी आप आगे देख सकते हैं कि लोग कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं धोनी के इस मामले के ऊपर जो ICC ने फरमान दिया है। वहीं तारिक फतेह को आप सभी लोग जानते होंगे, तारिक फतेह ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि धोनी के ग्लव्स पे जो इंसिग्निया है वो ICC को दिख गया, पर ICC को ये नहीं दिखा कि जो प्लेयर्स क्रिकेट ग्राउंड पर नमाज पढ़ते हैं वो उनको नहीं दिखा। क्योंकि ICC का कहना था कि ये रूल के खिलाफ है, ICC के रूल के ये खिलाफ है कि आप किसी चीज़ को सपोर्ट करें। अब ऐसे में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दे आर प्राउडली मुस्लिम ऑन द ग्राउंड, धोनी मस्ट प्राउडली बी इंडियन ऑन द ग्राउंड। इस तरीके से एक जो यूज़र है अभय चौहान वो ये कहते हैं। फिर वहीं अगर आगे जाए तो आगे देखते हैं किस प्रकार लिखा हुआ है कि ICC ऑन लो अंपायरिंग लेवल। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो कल की अंपायरिंग थी उसको लेकर ट्रॉल किया जा रहा है ICC को कि कल कैसे अंपायर ने गलत फैसला सुनाया था, इसमें क्रिस गेल आउट हो गया। तो वहीं ये बड़ी बड़ी आंखें दिखाई गई हैं किस प्रकार धोनी का जो इंसिग्निया है वो ICC को नजर आ गया पर उतना बड़ा नो बॉल उनको नजर नहीं आया। इसी प्रकार से और भी आप देख सकते हैं कि और लोगों ने भी लिखा है, धोनी हमेशा ही इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते रहते हैं इसलिए उनका ये ट्रिब्यूट है एक तरीके से इंडियन आर्मी को, यहाँ देख सकते हैं आप। फिर एक ये लिखा हुआ है एक जो फैन है धोनी को, उन्होंने भी ये फोटोज ट्वीट करते हुए धोनी की लिखा है, यू कैन रिमूव द आर्मी थिंग्स फ्रॉम धोनीज पैड कैप बैट एंड जर्सी बट यू कांट रिमूव लेफ्टिनेंट कर्नल MS धोनीज लव फ्रॉम नेशनल फ्रॉम हिज हार्ट। तो इस तरीके से धोनी के जो फैन हैं वो सभी लोग धोनी को सपोर्ट कर रहे हैं और ICC को एक तरफा उन्होंने आड़े हाथ ले लिया है। वो ICC को लगातार ट्वीट करते हुए टैग कर रहे हैं कि आपका जो फैसला है आप उसे वापस लें। वहीं ICC ने खैर BCCI को फरमान तो जारी कर दिया है कि BCCI महेंद्र सिंह धोनी को कहे कि वो जो इंसिग्निया है उनके ग्लव्स पर उसको हटाएं। अब ऐसे में देखना होगा कि पूरा मामला कहां पर जाकर रुकता है। फिलहाल तो ये फैंस की प्रतिक्रियाएं हैं, फैंस ये कह रहे हैं कि ICC को अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए, ICC का फैसला बहुत गलत है। अब ऐसे में देखना होगा ICC इस पूरे मामले पर आखिरी प्रतिक्रिया क्या देता है। फिलहाल तो इस पर कोई अपडेट नहीं है, फिलहाल तो बस फैंस का गुस्सा है वो फूट रहा है। अब ऐसे में देखते हैं अगली अपडेट क्या आती है इस स्टोरी पे। जो भी अपडेट आएगी हम आपके बीच जरूर आएंगे उसे लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।